और एक और हैरान करने वाली जानकारी आपको देते हैं। पूर्व सांसदों की पेंशन पर हर साल 70 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक आरटीआई के जरिए ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक 2600 से ज्यादा फर्जी पेंशन दी जा रही है और पेंशनर्स की इस लिस्ट में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला का नाम भी शामिल है। एक साल में 70 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च, और ये पैसा खर्च हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सांसदों की पेंशन के नाम पर। पानीपत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने मामले में भारी फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इनका कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में पूर्व सांसदों की संख्या 4996 बताई गई। वहीं पेंशन देने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा विभाग के मुताबिक पूर्व सांसदों की संख्या सिर्फ 1470 है। ऐसे में ये सवाल है कि फर्जी तौर पर पेंशन ले रहे 2618 सांसद कौन है। लोकसभा के सिर्फ 1470 पूर्व सांसदों को पेंशन दी जा रही है और राज्यसभा के सिर्फ 708 सांसदों को, यानी कि कुल 2178 पूर्व सांसदों को पेंशन दी जा रही है। तो सवाल है कि ये जो 2618 का जो डिफरेंस है, ये 2618 जो है, ये कौन ऐसे फर्जी सांसद हैं जो लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की जो सूची में है, भूतपूर्व पेंशनों की सूची में चढ़े हुए हैं और सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। पेंशनर्स की लिस्ट में बसपा सुप्रीमो, फिल्म स्टार और नामी उद्योगपतियों के नाम भी शामिल हैं। इसके साथ ही पेंशनर्स की इस लिस्ट के मुताबिक जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता ओम प्रकाश चौटाला हर महीने 20,000 और उनके बेटे अजय चौटाला 26,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। इनके अंदर जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हैं, उनको भी 47,000 रुपए की पेंशन, मासिक पेंशन मिल रही है पूर्व सांसद होने के नाते। और इसमें हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो तिहाड़ जेल में करप्शन के केस में बंद हैं, उनको 2.25 लाख रुपए की महीने की पेंशन तो हरियाणा से बतौर पूर्व विधायक होने के नाते से मिल रही है, और राज्यसभा के पूर्व सांसद होने के नाते से उनको 20,000 रुपए की पेंशन वहां से भी मिल रही है और वो तिहाड़ जेल में बैठे पेंशन लेने लग रहे हैं। पीपी कपूर के मुताबिक पूर्व सांसद 5 साल की सेवा के लिए हर महीने न्यूनतम 25,000 रुपए और 5 वर्ष से ज्यादा वक्त के लिए 2,000 रुपए अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार हैं। वहीं पेंशन लेने वाले 88% पूर्व सांसद करोड़पति और 43% दागी हैं। इसलिए सवाल ये कि इन पर जनता की गाढ़ी कमाई क्यों लुटाई जा रही है। सुमित भारद्वाज, न्यूज 18 पानीपत।